ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। पूरे देश में सीआरपीएफ का शौर्य दिवस मनाया गया, वहीं चंडीगढ़ में भी शौर्य दिवस पर बहादुर जवानों को याद किया गया। गुजरात के सरदार पोस्ट पर पाकिस्तानी सेना से लोहा लेने वाले जवानों की याद में शौर्य दिवस मनाया जाता है। सीआरपीएफ के चंडीगढ़ रेंज के आईजी वीके कोंडल ने बताया कि शौर्य दिवस पर हम अपने बहादुर जवानों को हर साल उनके उत्कृष्ट योगदान के लिए सम्मानित करते हैं। चंडीगढ़ में शौर्य दिवस के मौके पर कई जवानों को अवार्ड देकर भी सम्मानित किया गया। तो सर, ये कार्यक्रम जो है वो लगातार होते रहते हैं, हर जगह पर होते रहते हैं, कहीं ना कहीं जवानों को मोटिवेशन मिलता है। लेकिन हम एक बार फिर से जवानों की बात करते हैं जो फ्रंट पर सामने होते हैं और कहीं ना कहीं यहां पर उनको लड़ाई बड़ी लड़नी होती है। क्या स्थिति जवानों की है इस बल में? देखिए, ऐसा है, जवानों के लिए बड़ा मुश्किल है, बहुत मुश्किल है, और बड़े बड़े ताज्जुब की बात है, इतनी मुश्किलों के बाद इतना अच्छा आउटपुट हमारे जवान देते हैं। मैं आपको एक दो चीजें बताता हूं। जैसे सबसे पहला आप ले लीजिए, करियर ग्रोथ बहुत लिमिटेड है हमारे जवान की जी। 12 से 16 साल से पहले उसका कोई पहला प्रमोशन नहीं होता, आप अंदाजा लगा सकते हैं। ये बड़ा एक सीरियस विषय है, इसके ऊपर भारत सरकार को भी और अधिकारियों को भी ध्यान देना चाहिए कि कोई ना कोई रास्ता निकालना चाहिए कि उनका एक उत्साह कंट्री के लिए जो इतना बड़ा जज्बा है वो बना रहे, वरना मुश्किल हो जाएगी किसी स्टेज में। दूसरी बात यह है कि फैमिलीज को लुक आफ्टर करने के लिए उनके पास कोई टाइम नहीं है। मैं अफसर भर्ती हुआ था और बड़ी सीनियर पोजीशन में था, मेरे ग्रैंड फादर की डेथ हुई, मैं नहीं जा सका। अपने यंगर ब्रदर की शादी पे मैं नहीं जा सका। आप सोशल कमिटमेंट्स को आप अपनी ड्यूटी के सामने नहीं अटेंड कर सकते हैं, क्योंकि आपको बोल देते हैं छुट्टी नहीं मिलेगी, आप जबरदस्ती नहीं कर सकते, यू आर अ वेरी डिसिप्लिन फोर्स। दूसरी बात यह है, जो रहने का जो फैसिलिटीज हैं बहुत पुअर हैं। फिफ्थ पे कमीशन में मैं सीआरपी की तरफ से सेक्रेटरी था, प्रपोजल बनाने में हमने डाटा दिया था गवर्नमेंट को कि कम से कम 30% लोग ऐसे हैं जो पूरी लाइफ में यहां से नौकरी करके चले गए और उन्होंने कभी अपने सर पे छत देखा ही नहीं। मतलब लाइफ पूरी नौकरी निकल गई है लेकिन छत नहीं देखा, कभी टेंट वेंट में ही रह के चले गए, टेंट में ही पूरी नौकरी, टेंट में ही पूरी नौकरी चली गई है, कभी छत थी नहीं। 30-35% लोग ऐसे थे और लगभग 30-35 साल नौकरी होती है। हाँ, 30-35% में फुल पेंशन मिलती है। बिल्कुल, तो कम से कम 20 पेंशन तो हर एक आदमी लेना चाहता, बाहर तो उसको कुछ कोई चारा है नहीं, वो पेंशन तो लेके जाई गई। और तकरीबन ऐसा था कि मैक्सिमम 2 से 2.5% बच्चे ऐसे थे हु आर अर्निंग 4-figure salary, क्योंकि पेरेंटल गाइडेंस बहुत लिमिटेड है जी। जो आपने पहले क्वेश्चन रेज किया था, वो जज्बा हमारी अलग बात है, लेकिन फैक्ट ऑफ द मैटर ये है कि हमारी पेरेंटल गाइडेंस बहुत कम है और बहुत सारे बच्चे बड़े खराब भी हो जाते हैं। और एक और अभी जो लेटेस्ट मुझे पता लगा, जो हम डाटा इकट्ठा भी कर रहे हैं और किया भी हमने बहुत सारा, फैमिली डिस्कॉर्ड्स बहुत हैं जी, क्योंकि ये अपने सोशल कमिटमेंट्स नहीं कर सकता, फैमिली को देख नहीं सकता, बच्चों को अटेंड नहीं कर सकता, बहुत सारे फैमिली डिस्कॉर्ड्स हैं। और अभी तो कुछ और मुझे कुछ जवान बता रहे थे कि सर, हमारे तो बच्चों की शादी मुश्किल हो रही है, शादी नहीं करते कि भाई इनके हम बच्चों की शादी नहीं करेंगे, इनका कोई भरोसा तो है नहीं, कहां रहेंगे ये। बिल्कुल, ये इवन ऑफिसर्स लेवल पे शादी की बड़ी प्रॉब्लम हो जाती है कई बार, मतलब क्लास वन अफसर होने के बावजूद शादी की प्रॉब्लम। हाँ, अभी हम लोग, मैं आपको एक इंसिडेंट बताता हूं, हम लोग हाई कोर्ट में केस लड़ रहे थे ऑर्गेनाइज सर्विस का, हमारी सर्विस को बोलते हैं ऑर्गेनाइज ही नहीं है, 10,000 ऑफिसर हैं काडर में और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया में आज तक बोलते हैं ये ऑर्गेनाइज सर्विस नहीं है। मुझे बताइए, 10,000 ऑफिसर जो इतनी सेंसिटिव ड्यूटी करते हैं वो ऑर्गेनाइज नहीं है। ऑर्गेनाइज का मतलब साइंटिफिकली मैनेज होना चाहिए, करियर क्या होगा, प्रमोशन कब मिलेगा, उसका कुछ नहीं। एक ऑफिसर की वाइफ, वो डिप्टी कमांडेंट था, उसकी वाइफ हियरिंग को देखने के लिए आई थी, तो जब उसने हियरिंग हुआ तो बाहर, मैं जैसे ही बाहर निकला, वो अपने हस्बैंड को बात कर रही थी, अरे आज तक तूने बताया ही नहीं कि तुम्हारी सर्विस तक ऑर्गेनाइज नहीं है। मतलब ये एक बड़ी अजीब सी बात है। ऐसे बहुत सारे ऐसे इशू हैं जो ऑर्गेनाइजेशन में बड़े सीरियस प्रोपेंसिटीज लिए हुए हैं और उनको अगर टाइम से अटेंड नहीं किया गया तो एक बहुत बड़ा वैक्यूम क्रिएट हो जाएगा। जाहिर सी बात है, 3 लाख से ज्यादा जवान अगर कहीं किसी ऑर्गेनाइजेशन में है और वहां पर इस तरह की विपरीत परिस्थितियां आती हैं और इस तरह की परेशानियां जवानों के सामने आती हैं, तो कैसे काम हो पाएगा? नीतू जी, आपसे सवाल करना चाहूंगा, महिला जवान के लिए तो मुश्किलें और भी ज्यादा हैं, उसे कहीं ना कहीं घर परिवार के लिए और ज्यादा वक्त देना पड़ता है, और जब उनको वक्त नहीं मिलता होगा तो कितनी मुश्किलों का सामना करना पड़ता होगा? आपका वास्ता लगातार होता रहता होगा महिला जवानों से। देखिए, महिला जवानों के लिए थोड़ा सा डिफरेंस ऑफ दिस थिंग जरूर है। जैसे जो हमारी डिप्लॉयमेंट्स बहुत ज्यादा इंसर्जेंसी वाले एरियाज में है, जैसे श्रीनगर या कश्मीर की हो गया, जहां आप अपना परिवार अपने साथ नहीं लेके जा सकते,
वहां हम लोगों की कोशिश होती है कि जिन लोगों के इतने कमिटमेंट नहीं है उन लोगों को पोस्ट कर दिया जाए। कुछ इस तरीके के टर्नओवर बनाने की कोशिश करी जाती है कि इन ये महिलाएं ज्यादा से ज्यादा अपनी फैमिली को अपने साथ रख सकें। लेकिन आप ये भी देखिए कि ये एक ऐसी ऑर्गेनाइजेशन भी है जिसकी वजह से एक बहुत जबरदस्त मेंटल स्ट्रेंथ मिलती है। ये एक ऐसी ऑर्गेनाइजेशन भी है जिससे एम्पावरमेंट की एक नई मिसाल भी कायम हुई है। ये एक ऐसी ऑर्गेनाइजेशन भी है जिसमें इस नौकरी के चलते वो अपने बच्चों की गाइडेंस और डिफरेंट तरीके से कर सकती है। ये सही है कि प्रॉब्लम्स हैं, ये भी सही है कि प्रॉब्लम्स हर तरीके की ऑर्गेनाइजेशन में होती हैं, ये भी सही है कि लीडरशिप की फिर ये जवाबदारी हो जाती है कि वो उस प्रॉब्लम का कोई ना कोई सोल्यूशन सही तरीके से खोजे। जी बिल्कुल, निकालना जरूरी भी होता है। एक बार फिर चलते हैं आरके सिंह साहब के पास। सर, इतनी परेशानी आपकी नौकरी में है लेकिन इतना आपने सेक्रीफाइस भी किया, कहीं ना कहीं नौकरी में जान के लाले पड़ गए थे, लेकिन फिर भी इसके बावजूद जज्बा आपका वैसा ही बरकरार है। कभी ऐसा लगता है कि थोड़ा रिस्क ले लिया जाए? इतनी परेशानी है, रेस्ट लाइफ में रेस्ट अगर हो गया तो बिल्कुल बेकार हो जाएंगे। हम लोग जिस यूनिफॉर्म में हैं, जो ड्यूटी हमको करना है, तो रेस्ट का तो कोई मतलब नहीं है, लगे रहना है अपने काम में हमेशा। रत्ना जी, कभी आपने कहा रविंद्र साहब से कि हो गया, इतना देश की सेवा कर ली, अपने आप को साबित भी कर लिया, अब थोड़ा सा आ जाओ अपनी जिंदगी बिताते हैं? हाँ बिल्कुल, इस तरह की बातें होती है, बट उनका जीने का तरीका यही है, जज्बा यही है, और उनके जो विल पावर है एक्चुअली उससे हम लोग काफी मोटिवेटेड हैं, चाहे फैमिली मेंबर्स हैं चाहे पड़ोसी हैं, सभी मोटिवेटेड हैं उनको देख करके, जिस तरह से वो जिंदगी को जी रहे हैं। आप खुश हैं? बिल्कुल खुश हैं। बच्चे भी खुश हैं? एक्चुअली तो कहानियों में सुना था कि देशभक्ति की कहानियां और देशभक्तों की, पर उनके साथ जीने का मौका मिलेगा ये मेरे लिए गर्व की बात है। बिल्कुल, ये गर्व की बात जो परिवार साथ जब होता है, कहीं ना कहीं पवार साहब तो एक अंदर पावर आ जाती है, विल पावर मजबूत हो जाती है। अगर परिवार साथ ना हो तो परेशानी का सामना करना पड़ता है, और कहीं ना कहीं अगर जंगल के अंदर जाकर पहाड़ों में लोगों से मोर्चा लेकर लड़ाई लगातार जारी है, तो इसके बाद शायद ये जो अंदर विल पावर मजबूत होता है परिवार के सपोर्ट के बाद, वो इसके लिए बहुत जरूरी है। ये बहुत कमाल की बात है, हमारे तकरीबन सभी परिवार बहुत सपोर्ट करते हैं, परिवार को भी प्रॉब्लम क्रिएट नहीं करते, ऐसी ड्यूटी में क्यों जा रहे हो, ये क्यों जा रहे हो, वो क्यों जा रहे हो। बल्कि अभी जो मॉडर्न जो आउटलुक पैदा हो रहा है उसमें थोड़ा सा खतरा पैदा हो रहा है धीरे धीरे, क्योंकि अभी जो नई जनरेशन आती वो ये सोचती कि मुझे क्या, इज इट वर्थ इट, ये सब एक कॉमन ह्यूमन फीलिंग है, इसको आप नकार नहीं सकते हैं। ऐसी फीलिंग अब आने लगी है कि इज इट वर्थ इट, जो हम बाहर देखते हैं जिस हिसाब से बाहर हो रहा है, हम तो देश के लिए अपनी एक टांग उड़ा करके फिर भी मैं बैठा हूं कि नहीं मैं अपने देश के लिए जान दूंगा, और बाहर हम देश को कैसे बर्बाद कर रहे हैं। तो ये एक बड़ा विरोधाभास है, और इसमें इसकी तरफ बड़ा सीरियसली हमको सोचना चाहिए कि जो लोग ऐसी भावना के साथ ऐसे जज्बे के साथ जिंदा हैं उनको हम किस तरह से लुक आफ्टर कर सकते हैं। ये इस कंट्री का, इस सरकार का, अधिकारियों का, सबका फर्ज बनता है। अब आरके सिंह जैसे अफसर को अगर कोई लुक आफ्टर नहीं करेगा तो कितना बड़ा पाप है। जाहिर सी बात है, कहीं ना कहीं पूरा देश इनके साथ इस वक्त खड़ा हुआ है। नीतू जी, आपसे भी आखिरी कॉमेंट चाहूंगा, वक्त यहाँ पर थोड़ा सा कम है, क्या चाहती हैं फौज के लिए क्या होना चाहिए और इन बहादुर सिपाहियों के लिए क्या होना चाहिए? हमारी जो देश से हमने अपनी जिंदगी देश के नाम करी, हम देश से केवल इतना चाहते हैं कि एक छोटी सी रिकग्निशन, एक छोटा सा सम्मान, लेकिन हम साथ में ये भी चाहते हैं कि ये देश, जितना हम इस देश से जुड़ते हैं उतना देशवासी हमारे साथ जुड़े। लेकिन हम ये भी जानते हैं कि जीवन और मृत्यु के बीच की जो जमीन है वो नियति की नहीं, मेरी अपनी है। बिल्कुल, बहुत अच्छी बात। इस बात को कहीं ना कहीं तमाम लोग याद भी रखेंगे कि थोड़ा सा चाहते हैं कि हमसे देश जुड़े, अगर हम देश के लिए जान दे रहे हैं तो हमें भी, हमसे भी कम से कम देश जुड़े, और जीवन मृत्यु जो है वो नियति पर कहीं ना कहीं डिपेंड करती है। आरके सर, आप बताइए, आपको क्या लगता है कि क्या मिलना चाहिए? आपने कहीं ना कहीं अपनी जान की बाजी लगा दी और एक पैर आपके पास आज नहीं है, लेकिन फिर भी लगातार देश की सेवा में आप जुटे हुए हैं, देश से क्या चाहते हैं? रिकग्निशन जो मैम ने बताया कि मिलना चाहिए सभी को इस तरह का, और बाकी हम तो हैं ही देश में बिकने के लिए हमेशा तैयार। बिल्कुल, आपके जज्बे को हम कहीं ना कहीं सलाम करते हैं, एमएचपी न्यूज के साथ पूरा देश इस वक्त आपके जज्बे को सलाम करता है। इस पूरी चर्चा में जुड़ने के लिए खास मेहमानों का बहुत बहुत शुक्रिया। पवार साहब, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। नीतू जी, आप यहाँ पर रहिए, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। आरके सिंह जी, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया, और डॉक्टर रत्ना, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया अपनी तमाम भावनाएं और अपनी बातें हमसे बांटने के लिए।
मेरे साथ फिलहाल इस खास पेशकश में इतना ही, लेकिन जाते जाते सिर्फ इतना कहूंगा कि हमें भी याद रखें जब लिखें तारीख गुलशन की कि हमने भी चमन में लुटाया है अपना आशिया। इन तमाम जाबाज सिपाहियों को MH1 न्यूज का सलाम। मेरे साथ फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। MH1 न्यूज पर लगातार खबरों का सफर जारी है। धन्यवाद।